हम भटक जाएंगे, ठीक है ना। तो जी प्रॉब्लम प्रोडक्शन की है ही नहीं। ओके तो फिर आप मुझसे पूछेंगे कि प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम एक तो काले जहर की है, और काले जहर से ज्यादा है कि क्या हम अपने प्रोडक्शन को सोने के भाव में बेच सकते हैं क्या। बिल्कुल बिकेगा सर। नहीं नहीं अब अब अब, अब ये आज की स्थिति में आप 200% नहीं बेच सकते हैं। हाँ, उसका नहीं दे सकते। उसका हाँ। कारण ये है कि जो व्यवस्था है वो एक्सप्लॉइटेटिव है। यस यस, तो वो व्यवस्था आपको कोई अच्छा काम करने ही नहीं देगी। आप मेरी बात समझ रहे हैं ना? परफेक्टली बराबर बोल रहे हैं सर आप। हाँ, क्योंकि देखो जब हम कुछ भी जो है ना पैदा कर लें, राइट, जी वो बीच का जो सिस्टम है वो उसको पेटेंस में खरीदना चाहता है, उसको स्टोर करके उसके रेट मैनिपुलेट करना चाहता है, और अपने को तो लाभ कमाना चाहता है, सामने वाले को लाभ नहीं कमाना, नहीं देना चाहता, ठीक है ना, नंबर वन। और उसमें वो बहुत सारी चीजें मिला रहा है जो कि पॉइजनस भी है। यस, तो उसके लिए कोई शर्म लोक लज्जा नहीं रह गई है, जी, और जी उसमें हम सभी लोग सम्मिलित हैं। मतलब कोई सीधे ढंग से सम्मिलित है, कोई परोक्ष रूप से सम्मिलित है, बराबर सर, कोई जो है कर रहा है, कोई उसे इग्नोर कर रहा है, एंड क्योंकि कोई कंट्रोल ही नहीं ना सर, वी डोंट हैव यू नो एनी अदर ऑप्शंस। बेसिकली हमने ऐसी व्यवस्था ही नहीं बनाई है। मतलब बेसिकली जैसे संविधान में सब चीज लिखी हुई है, कानून में सब चीज लिखी हुई है, राइट। अब दुष्टता क्या हुई है कि हमने वही इंस्ट्रूमेंट अडॉप्ट किया है जो काले अंग्रेजों ने शोषण के लिए बनाया था, आपको तोड़ने के लिए बनाया था, आपको अपमानित करने के लिए बनाया था, और उस तंत्र को जिसका मैं भी हिस्सा था जी, उसको इतने ज्यादा अधिकार दिए गए हैं कि चित भी उसकी, पट भी उसकी, खड़ी भी उसकी, साला तुम्हारा तो कुछ है ही नहीं। चीता है मैं जीता, पट है तू हारा, और खड़ा तो है ही है मेरा। हाँ, खड़ा तो है तुम मेरे, ये बिल्कुल सही बात है, वही स्थिति है। वो निर्णय ना ले, वो विलंबित निर्णय ले, वो गलत निर्णय ले, वो घूस लेके निर्णय ले, ऐसे ढेर सारी प्रॉब्लम्स है जी, जी मतलब इसे फुल ऑफ प्रॉब्लम। और मुझे लगता है कि ज्यादा जो इसका आसान, बहुत आसान सॉल्यूशन है कि एक इन्फोर्समेंट मैकेनिज्म पैदा की जाए। अब ये इन्फोर्समेंट मैकेनिज्म सरकार और सरकार का तंत्र नहीं करेगा, क्योंकि वो उसका फायदा उठा रहा है, तो वो किसी भी कीमत में दिखाने के लिए यदि क्रिएट भी करेगा तो इसमें इतने लूप होल्स रख देगा कि उससे कुछ होना नहीं है। जी जी, मतलब वो बेसिकली दिखाने के लिए व्यवस्था होती है। मतलब वो आपको जाहिर तौर पे ये लगेगा कि आपके लिए कर रहे हैं, लेकिन आपके लिए करने की उनकी ना तो कोई सोच है, ना वो करना चाहते हैं, और वो आपको शोषण करना चाहते हैं। अपने लिए अच्छे अच्छे चीजें बनाते जा रहे हैं, राइट, अपने लिए पेंशन भी रख रहे हैं, ये भी रख रहे हैं, वो आप भाड़ में जाओ बस। और मुझे तो लगता है कि ये पेंशन वेंशन खत्म करना भी एक साजिश का हिस्सा है। मैं गलत हो सकता हूँ, लेकिन मुझे लगता है ये साजिश है। जानते किसके विरुद्ध साजिश है ये? किसके विरुद्ध सर? उन अच्छे लोगों के जो कुछ 8-10% धोखे से झुकने के लिए तैयार नहीं होते हैं, जो इनसे सरेंडर करने के लिए तैयार नहीं है, उनको जो है तोड़ने की व्यवस्था है। उनको लगता है, उनको ये लगता है कि हम तो पेंशन से अपना काम चला लेंगे जी, तो फिर वो इनसे, इनके सामने झुकने के लिए तैयार नहीं है जी। हाँ, तो यदि वो पेंशन खत्म कर दी तो अब उनके एक आपने अनसर्टेनिटी पैदा कर दी, बराबर, कि आप रिटायरमेंट के बाद शायद उतने सुकून से ना जी पाओ जितना आप सोच रहे थे, राइट। तो फिर आप जो है वो सब बदमाशी करने में एक्टिव हो जाओगे, टू सिक्योर योर फ्यूचर, अदरवाइज आपका पब्लिक सर्वेंट जो आपके प्रति समर्पित रहे उसकी कितनी आवश्यकताएं होंगी, एक गाड़ी की आवश्यकता होगी, एक जो है ना घर की होगी, लेट इट बी द पार्ट ऑफ द योर सैलरी सिस्टम कि आप आते ही आपको घोड़ा गाड़ी इन सब चीजों को जो है ना विल बी गिवन टू यू। देखिए अल्टीमेटली जिस व्यक्ति को आप इतनी सारी जिम्मेवारी दे रहे हैं उसे
पूर्णतया जो है अश्योर करे कि उसे अपनी चिंता पालने की जरूरत नहीं है और फिर उसे अकाउंटेबल बनाए। इस व्यवस्था में शोषण करने के सभी अधिकार प्राप्त हैं और अकाउंटेबिलिटी जीरो है। जीरो राइट। हम चाहे चाहे तो आपके ऊपर संदेह उठा हो गया तो 109 में बंद कर दें, हमें लग रहा है कि साहब आप कोई अपराध घटित कर सकते उठा के बंद कर दें, मतलब आपका तो कोई वजूद ही नहीं है। आपका क्या वजूद है? बराबर सर। यदि आपको कहीं बेल मिल जाती है तो जितने समय हम आपको अंदर रखते हैं जूते मारते हैं तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई, प्रॉब्लम तो आपके साथ हो रही है ना, सह तो आप रहे हैं ना। जी 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 सर। नहीं जी हाँ बिल्कुल सर। तो मुझे जानते ये लग रहा है कि नकारे खाने में तूती की आवाज है, ये वीडियो वीडियो कोई इम्पैक्ट इम्पैक्ट क्रिएट करने वाले हैं नहीं। आपको लग रहा है कि नहीं लग रहा है? नहीं सर करेंगे, मतलब क्या है कि वो धीरे 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 जैसे जैसे लोग नहीं देखिए देखिए ऐसा है वो धीरे इतना धीरे होगा कि उस धीरे को आप सहन नहीं कर पाएंगे, उम्र निकल जाएगी। आपका खुद का धैर्य जवाब देगी, यू विल फील दैट प्रॉबली इट इज नॉट गोइंग टू वर्क। सो व्हाट इज दो इट इज हैविंग ऑल पोटेंशियल टू वर्क। आप बात समझ रहे हो? जी हाँ। तो अब इसके पीछे देखो हर कोई अच्छी चीज सिखा के जाता है। कोरोना ने मोदी जी ने बहुत अच्छी चीज सिखा दी जो गांधी जी नहीं सिखा पाए। देखिए मोदी जी ने बता दिया है कि घर के अंदर रह के आप एक रेजोनेंस कैसे क्रिएट कर सकते हो। क्योंकि देखिए ये अंग्रेजों के जमाने की काली व्यवस्था, इसके सामने आप रगड़ रगड़ के मर जाओगे। जब उसको एक थ्रेट है कि दे में लूज पावर, तब भी बेशर्मी दिखाते हैं, इवन एट द कॉस्ट ऑफ रनिंग रिस्क ऑफ लूजिंग पावर। आप समझे ना? और जब यदि ये रिस्क कम होगी तो आपको लिटरली जूते मारेंगे। राइट। अच्छा एकाध केस में यदि आप सफल भी हो जाते हो तो यू आर नॉट विनर, यू आर लूजर, क्योंकि आपने जो है ये सिखा दिया कि मैं तो एक बिगड़ा हुआ बच्चा हूं, मुझे 5 थप्पड़ मारोगे तभी मैं ठीक ठाक बिहेव करूंगा। तो और फिर जो है झुंझुना कर दिया जाए। देखो जैसे जब जब जो है ना श्यामा प्रसाद मुखर्जी की हत्या वहां पे हुई थी जम्मू एंड कश्मीर में, और उसकी जांच बहुत जोर से पकड़ी हुई थी, तो उसमें जानते क्या किया कांग्रेस ने? वहां का बसों का किराया बढ़ा दिया, दुगना से ज्यादा कर दिया। तो एकदम इमीडिएटली, और उन्होंने फिर प्रोटेस्ट करवाए क्रिएट की साहब ये तो किराया कम किया जाए। उस किराया कम करने की प्रोटेस्ट में श्यामा प्रसाद मुखर्जी की हत्या हुई है ये बात दब गई, क्योंकि वो हत्या जवाहरलाल नेहरू ने शेख अब्दुल्ला से मिलके कराई थी। राइट। और इसके बहुत सारे किताबें हैं, बहुत सारी चीजें हैं जिसमें उस समय के हालातों का विवरण मिलता है। उन्होंने तो सर सबको मारा, चंद्रशेखर आजाद जी को मरवाया एक तरीके से, मतलब भगत सिंह जी को मरवाया, जितने भी क्रांतिकारी थे बहुत ही प्यार से मरवाया, और मतलब एक समझ लीजिए एक जो नहीं जो वो पहला जो वो अपना हैक हुआ था ना अकाउंट, वो वही हुआ था कि 13 वोट मिले थे सरदार जी को, 1 वोट मिले थे इनको, तब भी ये प्राइम मिनिस्टर बन गए। नहीं इनको 1 भी वोट नहीं मिला था, इनको 0 वोट था। अच्छा 12 वोट मिले थे सरदार पटेल को, 2 वोट मिले थे कृपलानी को, 1 वोट किसी और को मिला था। जी जी जवाहरलाल नेहरू को 0 वोट था, तब भी बन गए। नहीं तब भी बन नहीं गए हो, तब बनने से बड़ा संकट है। क्यों? जब आपको महसूस होता है कि आप बौने चरित्र के हैं तो फिर आप साठगांठ करते अपने आप को सत्ता में काबिज रखते हैं। इस व्यक्ति ने पूरे समय सत्ता में अपने आप को काबिज रख पाया ना, क्योंकि प्रोटेस्ट हुई सब हुआ तो भी इसने रखा अपने आप को काबिज, रखा कि नहीं रखा? रखा ना सर। और ऐसी बात नहीं है कि लोगों को बहुत श्रद्धा थी इन क्रांतिकारियों के प्रति, लोग बाग जो है ना उसको बुना के गए, उन्होंने लोगों का मतलब स्वेटर बुने, ये बुने, ये बुने, क्या क्या नहीं किया क्रांतिकारियों के लिए। तो
ये तो सर फिर कैसे 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 फिर अंदर पूरा का पूरा वो जाया जा सकता है? मुझे बहुत आसान तरीका समझ में आता है इसका। क्या सर? बहुत ही आसान है कि सब कामों को छोड़ के क्राइम फ्री यूट्यूब चैनल को करोड़ों में पहुंचा दिया जाए, ठीक है ना? बहुत आसान, ठीक है ना जी, जी। जैसे ही वो करोड़ों पे पहुंचा जाएगा फिर मोदी जी का फार्मूला यूज किया जाए। मोदी जी का फार्मूला क्या है? थाली बजाओ, मोमबत्ती जलाओ, क्योंकि उस मैसेज को कोई इग्नोर नहीं कर पाएगा। और चूंकि आप अपने दिल्ली के अंदर हैं, अपने छत पे हैं, अपने बरामदे में हैं, तो आपको जो है जबरदस्ती आपके विरुद्ध अपराध कायम नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। और जब ये वाइड स्प्रेड हो जाएगा तो आपको डिमोन्स्ट्रेशन नहीं करना पड़ेगा, इनको पूरी इंटेलिजेंस लगाना पड़ेगी कि अब जो है ना क्राइम फ्री भारत क्या सोच रहा है, नहीं तो इनके दिवाली उड़ जाएंगे। इन्हें मालूम ही नहीं पड़ेगा कि कब तोता उड़ गया। आपको लगता है कि ये मैं बड़ी प्रैक्टिकल बात कर रहा हूँ? है ना सर, एकदम प्रैक्टिकल बात है, एकदम एकदम। मतलब ऐसे हड़बड़ा करके जगेंगे ना नींद से, या अगर इग्नोर भी कर रहे होंगे तब भी मतलब पूरा का पूरा फुल कॉन्सेंट्रेशन यहीं पर आ जाएगा। हाँ, मतलब वो चाहे जाहिरा तौर पे ये शो करें कि आई एम नॉट बॉदर्ड, लेकिन उनको रात में बुरे बुरे सपने आएंगे, जैसे नेहरू जी को आते थे। नेहरू जी को बहुत बुरे बुरे सपने आते थे। तो मुझे लगता है कि देखो दो चीजें हमें जो लगती हैं, ठीक है ना, बल्कि तीन चीजें लगती हैं मुझे। एक चीज तो लगती है कि सब चीजों का, जो कि बहुत आसान भी है, किसी का पैसा भी नहीं लग रहा है, तो पूरी ताकत लगा दी जाए कि क्राइम फ्री यूट्यूब चैनल शुड बिकम पब्लिक माउथपीस, उसके पीछे लोग खड़े हो जाए, ठीक है ना जी। कुछ नहीं लगना है, सिर्फ सब्सक्राइब करना है, घंटी का बटन दबाना है, कठिन काम है? नहीं नहीं कुछ है, है ना? नहीं नहीं एकदम कुछ। अच्छा, नाउ इसके बाद फिर उसको अपनी स्ट्रेंथ शो करने का तरीका रहेगा वही मोदी जी के स्टाइल, दीपक जलाना। कि उसमें रहेगा कि मोदी जी दीपक वो जनगण मन हटाइए, राइट? तो नहीं तो जो है हम थालियां बजाएंगे, हाँ, और आदि आपने कर दिया तो हम आपके अशुगान में थालियां बजा देंगे भाई जी, जी ठीक है ना, नहीं तो आप लेकर के ही। हाँ हाँ, ऐसे छोटे छोटे मतलब चीजें, जैसे आई वेरी स्ट्रांगली फील कि हमें डेमोक्रेसी को रियल डेमोक्रेसी में कन्वर्ट करना है, जैसे फ्रॉड डेमोक्रेसी। या मुझे ये बात बहुत जोर से लगती है कि एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि ये देश पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के लिए उचित नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हम सब परचेजेबल कम्युनिटी है। तो कोई भी व्यक्ति पैसे खर्च करके कितना भी अच्छा व्यक्ति क्यों ना हो, उसे गिराने की षड्यंत्र रचना उसके लिए बहुत आसान काम है। लेकिन यदि प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हो, और तो उसमें हमें दो फायदे मिलेंगे। एक तो ये है कि उसमें स्टेबिलिटी रहेगी, नंबर वन। नंबर टू, उसे हर चीज में सपोर्ट के लिए तो पार्लियामेंट में सपोर्ट चाहिए उसे, नहीं तो एक भी चीज उसके आगे नहीं निकलेगी। क्योंकि बिना जो है वोट के तो जो है ना वो आगे बढ़ नहीं पाएगा जी। तो फिर ट्रू सेंस में डेमोक्रेसी आएगी, डिवोट होगी, यदि कोई गलत बोल रहा है तो उसे एक्सपोज किया जाएगा, राइट? और एक डेमोक्रेसी जो अभी जिसका गला घोंट दिया है, अभी तो पार्टी का शासन हो गया है, पॉलिटिकल व्हिप जो है ना जारी होती है, आपको वही कहना है जो पार्टी कह रही है। अच्छा, ना जो है पार्लियामेंट के अंदर डेमोक्रेसी है, ना पार्लियामेंट के बाहर डेमोक्रेसी है। बाहर जो है ना आपने एक लाइन बोली और पार्टी डिसिप्लिन के नाम से आपकी प्राइमरी मेंबरशिप भी खत्म कर दी। एम आई राइट और रॉन्ग? राइट सर। तो हमें जो दूसरा कदम उठाना चाहिए वो उठाना चाहिए कि छोटे छोटे कदम, बड़े कदम तो जो है ना वो बाद में करेंगे अपन। जैसे मान लो प्रेसिडेंशियल और पार्लियामेंट्री, अभी मोदी जी को इस झगड़े में ना फंसाया जाए जी, जी। अभी सिंपल से काम किए जाए, जैसे नोटा को कैंडिडेट डिक्लेयर किया जाए। यदि नोटा जीते तो 15 साल तक का वनवास मिलेगा बाकी सबको। इसका मतलब है वो बिना तपस्या के, उनकी इतनी तपस्या भी नहीं कि नोटा जीत रही है उनसे, ठीक है ना। इसका मतलब है कि सभी 15 साल के वनवास पे रहेंगे, 15 साल बाद ही वो पॉलिटिकल प्रोसेस में पार्टिसिपेट कर पाएंगे। फिर जैसे जो है आपने देखा होगा बहुत सारे डमी कैंडिडेट खड़े कर देते हैं,
तो वो ना कर पाए तो जिसकी जमानत जब्त हो उसे 10 साल की तपस्या की आवश्यकता होना चाहिए, ठीक है ना। तीसरा, जो जो बहुत सारी पार्टीज हैं जो कभी कोई कैंडिडेट भी नहीं खड़ा करती हैं, तो इस बात के समझने की जरूरत है कि क्या और क्या ऐसी डायनामिक्स है जिसके कारण ये पॉलिटिकल पार्टी बना रहे हैं। यदि कैंडिडेट ही खड़े नहीं करते हैं तो उसका मतलब है समथिंग एल्स, वो पार्टी बनाने से के कुछ फायदे हैं जो हम लोग नहीं समझ रहे हैं, जिसका दोहन करने के लिए पार्टी बनाते हैं। बिहाइंड द कर्टेन कुछ राइट। नंबर वन, यदि आप पार्टी बना रहे हैं तो आपके अंदर इतनी शक्ति तो होना चाहिए कि कम से कम आपका एक आदमी जीत जाए, एक कुछ प्रेसिडेंट जीते दूसरा जीते, एक तो आदमी जीते। यदि एक नहीं जीता इसका मतलब है कि आपकी पार्टी को तपस्या की जरूरत है, राइट। 10 साल तपस्या करे तब जो है ना फिर वो आगे तब आपको वापस वो होगा। अब 10 साल अच्छा, यदि आपको ये लग रहा है कि किसी कारण से यू आर नॉट रेडी, राइट, यू आर हैविंग स्ट्रेंथ बट यू स्टिल फील कि नहीं अभी यू आर नॉट राइट, तो यू कैन डिक्लेयर कि मैं 2 साल के लिए अपनी पार्टी को डोरमेंट डिक्लेयर करता हूँ, 2 साल भी मैं तपस्या करूंगा, इसके बाद उतारूंगा अपने कैंडिडेट को। जी जी, मतलब इस तरीके के बड़े प्रैक्टिकल यदि हम उनको देते हैं तो हम एक डेमोक्रेसी को जो 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 एक मैनेजमेंट हो रहा है इलेक्शन में उसको हम काफी हद तक प्रभावित कर पाएंगे। कम से कम जहां पर कैंडिडेट अभी तो किसी में जोश नहीं होता है, जब लोगों को लगेगा बहुत ही खराब कैंडिडेट हैं तो लोग नोटा के फेवर में जो है ना कैनवासिंग करेंगे कि तो बहुत दुष्ट है, इनको क्यों वोट दे रहे हैं आप, राइट। नोटा जीतेगा बहुत सारे केसेस में, नियम बदलने की जरूरत है। एक बार लोगों को ये लगे तो सही कि नोटा के जीतने पे ये लोग 15 साल का इन्हें वनवास होगा, तो बहुत सारे लोग जो इनका वनवास चाहेंगे वो नोटा को जिताएंगे। तो सर ये जो आइटम है ये अपन सुप्रीम कोर्ट में नहीं लगा सकते हैं इसके? देखो यार ये सब ही अच्छी थैले के चट्टे बट्टे हैं, सुप्रीम कोर्ट में भी यही लोग जो है ना उनको लगाते हैं, आदमी बैठे हुए हैं। जी हाँ। नहीं नहीं वो नहीं है, वो अपने हिसाब किताब से बातें हो रही हैं सब, तो वो ऐसा नहीं होगा। मुझे तो लगता है कि हमारी चुनी हुई सरकार है, इसी को विवश किया जाए, और उसका तरीका वही है कि आप क्राइम फ्री भारत को जो है पहले करोड़ों का सपोर्ट कर दें, और इसके बाद फिर क्राइम फ्री भारत हर वीक में कोई ना कोई प्रोग्राम करे, 15 दिन का समय दे कि ऐसा करो नहीं तो ऐसा होगा, और छोटी छोटी चीजें रखें सिंबॉलिक वाली जी, और जी। फिर जो है ना फर्स्ट ईयर प्रायोरिटी, सेकंड ईयर प्रायोरिटी, थर्ड ईयर प्रायोरिटी, और इसी सरकार से कराना है ये रिजॉल्व होना चाहिए, क्योंकि आने वाला दुष्ट हो सकता है, ये अच्छे लोग हैं नंबर वन, नंबर टू मेजोरिटी में है, राइट जी, और दूसरे लोगों की तुलना में तो ज्यादा नेशनलिस्ट है, ऐसा ऐसा मुझे एटलीस्ट लगता है, ज्यादा नेशनलिस्ट है। हाँ वो खैर मेरे को भी इसके लिए लगता है कि मैं भी मतलब बचपन में सरस्वती शिशु विद्या मंदिर से पढ़ा हुआ हूँ, तो मतलब वो एक जो देशभक्ति वाली भावना जो उस समय से वो है तो वो है ही है, तो इसके लिए मतलब एक तरीके से बोलेंगे तो मैं तो आरएसएस का इतना बड़ा भक्त हूँ ना कि पूछिए मत। लेकिन ब्लाइंड भक्त कोई नहीं होना चाहिए। अब अकाउंटेबिलिटी, जैसे अपन तत्व के अकाउंटेबिलिटी की बात कर रहे हैं, ऐसे ही हमें हर जगह अकाउंटेबिलिटी लाना चाहिए जी, और फिर तंत्र को भी अकाउंटेबल बनाया जाए कि आप समय पे निर्णय लो, यदि आपके गलत और जो है जो प्रमाण लग रहा है कि आपने दुष्टता के साथ निर्णय लिया है तो उसमें आपसे कंपनसेशन भी लिया जाए। सर आई एम कम्प्लीटली अलाइन विद यू, मैं सच बता रहा हूँ, ये जो आपने एक मुहिम छेड़ी हुई है ये अगर रियलिटी हो गई ना सर, तो अपना देश जो सोने की चिड़िया थी ना राजा विक्रमादित्य के समय, वो सोने की चिड़िया अपन ही बना देंगे, जानते क्यों? बिल्कुल बन जाएगी सर, बिल्कुल। उसका सबसे रीजन क्या है? आई कैन सेंस इट वेरी वेल। हाँ, क्योंकि हम पूरे इकोसिस्टम को लाभ पहुंचा रहे हैं ना। यस, जब हम अरे भाई 3 साल में 3 ट्रिलियन इकोनॉमी को यदि 15 ट्रिलियन इकोनॉमी पे हम पुश होते हुए देख रहे हैं और उसका रेड मैप है, कोई बहुत कठिन नहीं है, तो दूसरा काम हमको करना चाहिए कि इसकी टेक्नोलॉजी के लिए बहुत पैसा नहीं लगेगा, कोई रॉकेट साइंस की बात नहीं कर रहे हैं जी, 6 महीने में टेक्नोलॉजी आ सकती है, साला चंदा इकट्ठा करना चालू किया जाए, उससे चंदे से ही बना देंगे साला, राइट। अच्छा, दूसरी बात, जो अपना कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट इतना पावरफुल है, जब आपको 5 गुना इनकम दे रहा है 100 गुना इनकम देगा, तो उसको
जब उसकी 20% पार्टनरशिप है तो आगे चल के तो उसको कोई प्रॉब्लम ही नहीं होना है. दैट्स व्हाई वी आर सेइंग इट विल बी बिगेस्ट रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड इनोवेशन हब ऑफ द वर्ल्ड, क्योंकि मैं उसे होते हुए देख रहा हूँ. और मैं ऐसी कोई सरकार से अपेक्षा नहीं कर रहा हूँ, ना सरकार को कोई आवेदन देना चाह रहा हूँ, ना सरकार के पास जाके कुछ गुहार करना चाहता हूँ. क्योंकि ये सरकार तो ऐसा करेगी नहीं. सरकार दिखाने के लिए वोट के लिए करेगी, लेकिन ग्राउंड पे ऐसी कोई चीज उतारेगी नहीं. और जो गवर्नमेंट का ऑपरेटर है वो तो 30-40% पहले ही पैसा खरीद लेता है, तो वो उससे कुछ ज्यादा अपेक्षा होना संभव नहीं है, ना सरकारी तंत्र से ना सरकार से, दोनों से ही नहीं. प्रॉब्ली वी हैव इनहेरिटेड ए वेरी बैड सिस्टम विच वर मेंट फॉर द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ दिस कंट्री. एंड चूंकि ये काले अंग्रेजों को ये बहुत अच्छा लगने लगा, ये देखो ना यार, जब भी पुलिस सुधार की बात होती है साला इनकी जो है ना सांसें फूल जाती हैं. राइट, अभी तक और जो आप सुधार कर रहे हो उस सुधारों में भी आप अधिकार देने की बात कर रहे हो. अकाउंटेबिलिटी की तो भाई अपन ने बात ही नहीं की है. वी मस्ट टॉक ऑफ द अकाउंटेबिलिटी. यदि आपको संज्ञेय अपराध में अपराध पंजीयन आपका कानूनी दायित्व है और उस दायित्व का निर्वहन नहीं करते हैं तो आपको जेल जाने तक की व्यवस्था होना चाहिए. मतलब भाई यदि हम आपको रिपोर्ट कर रहे हैं, सब साक्ष्य दे रहे हैं, इसके बाद आप अपराध पंजीयन नहीं कर रहे हैं, तो देन व्हाई यू शुड नॉट बी मेड टू सफर फॉर इट. यस ऑफ कोर्स, व्हाई नॉट. और ये ऐसा कुछ करेंगे नहीं, क्योंकि ये तो पुलिस को ये बताना चाहते हैं कि हम भैया तुम्हारे बहुत सगे हैं. मतलब जो पुलिस निकम्मी है 80% केस में जो है ना अपराध पंजीयन नहीं कर रही है, उसे आप देवता बताना चाहते हो. क्योंकि वो अपने हिसाब से पुलिस को यूज कर पा रहे हैं, इसलिए उसको देवता बताना इनकी मजबूरी है. अभी सर आपको मालूम है अंदर का क्या क्या वो है. अरे इसलिए तो देखिए ऐसा है, देखो 13 डिग्रियां हैं अपने पास. कश्मीर में अपन ने काम किया, नक्सल एरिया में अपन ने काम किया, कैपिटल का जो है ना SP मैं रहा हूँ, तो CM के जिले का SP मैं रहा हूँ, तो मुझे तो करेला नीम चढ़ा सब मालूम है ना. नॉट केवल मालूम है, उनको भी जो है ना जामाजी से काम किया. उन समय में भी किसी की हिम्मत नहीं हुई कि जो मेरे काम में इंटरफेयर किया. आप कहीं से भी मालूम करके मालूम करिए. नहीं ना सर, अपनी रीढ़ की हड्डी बराबर रहे तो फिर कोई कोई किसी को मतलब वो नहीं कर सकता. हाँ, हाँ, हाँ. तो प्रशांत, मेरा 2-3 चीजों के बारे में मुझे लगता है कि यदि अपन करेंगे तो हम बहुत जल्दी किनारे पहुंचेंगे. एक तो मुझे लगता है कि क्राइम फ्री भारत का जो सब्सक्रिप्शन है उसको हम अपनी रीढ़ की हड्डी बना लें. जी सर जी. और हमें इसे करोड़ों में पहुंचाना है, वो भी 1-2 महीने के अंदर, चाहे कितनी सख्ती क्यों ना लगाना पड़े. चलिए सर, मैं तो पूरा स्प्रेड करने में लगा हूं, मेरे जितने भी ग्रुप्स हैं इधर. हाँ, और उनसे ये कहो, उनसे ये कहो कि सब्सक्राइब करके स्क्रीनशॉट भेजो. जी जी जी. क्योंकि जानते क्या है, कई बार देख लेगा लेकिन साला सब्सक्राइब नहीं करेगा, जैसे साला उससे कोई जायदाद मांग रहा हो. जी जी जी. भाई यदि आपको बातें ठीक लग रही हैं और सामने वाला आपको ये भी कह रहा है कि हम आपको क्राइम फ्री भारत भी दे देंगे, समर्थ भारत भी दे देंगे, आपको जो है ना बीमारी मुक्त भी कर देंगे, आपको कैंसर मुक्त भी कर देंगे और आपको दीर्घायु भी बना देंगे, इसके बाद यदि आप जो है ना आपका जिसमें कुछ जान ही रहा है, यदि उसके बाद भी आप घंटी भी नहीं दबा सकते हैं, तो इसका मतलब है आप दुष्ट हैं. आपको सफर करना ही चाहिए. बराबर. जो 5 जूते वाली बात है, मैं कई बार वो एक वीडियो डाला ना मैंने, तो वो 5 जूते वाली बात है. इसका मतलब है हमें 5 जूते में कोई प्रॉब्लम नहीं है, जूते लगाने वालों की संख्या बढ़ा दीजिए आप, क्योंकि भाई जूते लगवाने में बड़ी देर हो रही है. अभी देखिए, मैंने भी ये वाला वीडियो नहीं देखा है, चलिए देखता हूँ सर. हाँ, उसमें ही लिखा कि जूता लगवाने में प्रॉब्लम नहीं है, जूते लगाने वालों की संख्या बढ़ाई जाए. फिर अपन जो है इसके बाद जो ये वाला है जी, जो एग्रीकल्चर और आयुष वाला है, ये अपन एग्रीमेंट करते जाएं. इसको लॉन्च अपन तभी करेंगे जब बैकएंड इंजन टेक्नोलॉजी का रेडी हो और हमारे सभी पार्टनर बन जाएं. क्योंकि हमारा खेत से उठ के कंज्यूमर तक पहुंचना है, लास्ट कंज्यूमर. मिडिल मैन जो है विल बी आल्सो पार्ट ऑफ अस, बट उनको अपन मेहरबानी में अपना पार्ट बनाएंगे, सो दैट दे शुड आल्सो गेट रीजनेबल
मनी फॉर सर्वाइवल, राइट। उनको हम भूखा नहीं रखना चाहते, इसलिए उनको हिस्सा बनाना चाहते। इन्होंने किया हुआ है सर, जो सुभाष पालेकर जी है ना, स्टार्टिंग से लेकर के एंड प्रोडक्ट का भी अपने अपने मार्केट में, मतलब खासकर विदर्भ में इनका काफी अच्छा मतलब वो है, क्योंकि ही इज फ्रॉम आप तो विदर्भ की बात कर रहे हैं यार, हम तो विदेशों की बात कर रहे हैं कि शिपमेंट करेंगे, वहां पर क्राइम फ्री भारत के जो है ना स्टोर्स होंगे। विदेशों में भी अमृत आप बेच रहे हो तो सोने के भाव में अपने नेटवर्क से बेचो ना। बिल्कुल सर, अमेरिका में आज की डेट में जो नीम का दातून है 700 रुपए एक कांडी बिकती है। हाँ, करेक्ट, 700 रुपए की एक कांडी। हाँ, इट्स अ काइंड ऑफ, ओह गॉड, और ब्रश उससे जो है ना उसमें 10 ब्रश आ जाए। हाँ, नहीं 700 रुपए में, 700 रुपए में 10 या सर ज्यादा ब्रश की कीमत कितनी है, 35 रुपए 20 आ जाएंगे, 20-25 रुपए भी है मे बी मिलते हैं ब्रश। तो ये अपन को देखो, बेसिकली उन बेचारे, वो उनके चेहरे से देख के मुझे लग रहा है कि बेचारे भले बुजुर्ग इंसान हैं, अपन जो है टेक्नोक्रेट भी हैं। वी विल यूज द ऑल मॉडर्न टेक्नोलॉजी, ऑल मॉडर्न मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट, और वो भी बिना आपको कष्ट दिए हुए। आपको कुछ नहीं सिखाएंगे, आपको पार्टनर बनाएंगे और आपको लाभ देंगे। बाकी अंदर क्या है वो हम हमको पता। हाँ, जैसे मान लो आपका मोबाइल है तो मोबाइल कैसे काम करते, थोड़ी मोबाइल से जो आपको फायदा है वो मिलने, बात खत्म हो गई आपको। क्योंकि आपको समझाएंगे तो करेगा, काम नहीं करेगा, आपके दिमाग में भेजे में ही नहीं घुसेगा। अपनी एनर्जी आपके भेजे में कैसे काम करेगा ये बताने में क्यों खर्च करे। हम तो जो है ना आपको गारंटी देना कि ऐसे काम करेगा और आपको इतने गुना आप अमीर हो जाएंगे, और वो भी बिना मेहनत किए। और हमें बड़े स्केल पे जो गांव के वर्कर्स हैं उनकी लाइफ को इम्प्रूव करना है, और द रिवर्स फ्लो फ्रॉम अर्बन टू रूरल एरिया मस्ट हैपन। यहाँ पे स्लम पे रह रहे हैं, पिटेंस में काम कर रहे हैं, दे मस्ट गो बैक। और जो क्राइम फ्री भारत की सोच है कि हमारा हर वर्कर 48,000 रुपीज वर्थ ऑफ परचेजिंग पावर उसे मिलना चाहिए। मेकिंग सेंस टू यू? यस 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 इट इज सर, है ना। हाँ, तो, हाँ। तो वो चीज अपन को क्रिएट करना पड़ेगी, और वो अकेला जो है इट इज नॉट क्वेश्चन ऑफ फार्मर से जो है ना एग्रीमेंट, इट्स क्वेश्चन ऑफ डेवलपिंग टेक्नोलॉजी। तो जो स्कैन जो ऑलरेडी अवेलेबल है, जो नहीं अवेलेबल है उसको हम डेवलप करें, ठीक है ना जी। मतलब आज क्या अवेलेबल है दैट इज नॉट गोइंग टू जो है ना होल्ड अस। यदि हम सोच पा रहे हैं तो वो डेवलप कर लेंगे, क्या दिक्कत है, कोई बहुत रॉकेट साइंस थोड़ी कर रहे हैं। जब हम लोगों ने रॉकेट साइंस भी कर डाली है तो अब तो छोटी बातें कर रहे हैं, पर कर रहे हैं कि नहीं। हाँ, 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 हाँ। रॉकेट साइंस भी तो बनाया आखिर। हाँ, तो मैं वही कह रहा हूँ कि ये तो रॉकेट साइंस भी नहीं है, और उससे भी जो एडवांस चीजों की जरूरत होगी वो भी कर लेंगे। नहीं, यस सर, बिल्कुल सर, यस यस यस। मैं तो सोच रहा हूँ, मतलब ये इट्स अ काइंड ऑफ यू नो व्हाट एवर द एग्जिस्टिंग मॉडल्स आर देयर ऑफ द बिजनेस, इंटीग्रेशन ऑफ दैट। नो, व्हाट आई विल से, डू द रिसर्च व्हाट इज अवेलेबल, रीडिफाइन इट, मॉडिफाई एज पर अवर कॉन्सेप्ट नोट, यस, एंड देन जो है ना उसको एज ए सर्विस एंड प्रोडक्ट वहां नीचे जमीन पे परोस दो। जी जी, किसी को समझाने का कष्ट मत पहुंचाओ, और उसको बिल्कुल कष्ट मत दो ना, उसको जो ना टेक्नोलॉजी का कष्ट दो ना, उसको लेबर को पढ़ाने समझाने का कष्ट दो। मोबाइल पकड़ो। हाँ, पहले आपके घर का लैंडलाइन बिल आता था 1200 रुपया, ये अभी 399 का जियो है, ये वापरो। अभी कैसे धीरू भाई मैनेज कर रहा है, वो धीरू भाई जाने। करेक्ट, मुकेश भाई जाने। करेक्ट करेक्ट, आप बस यूज करो। अब जो जो कैसे मैनेज होगा वो मैथिलीशन गुप्त जाने। रोमिंग फ्री पूरे ऑल ओवर इंडिया, कहीं भी करो, सब लोकल। करेक्ट, तो चलिए अपन जो है एक अच्छा वो है, अभी अपन जो अपनी बातचीत है इसे अपन रिलीज भी करते हैं, जिससे बाकी लोग सुने और वो भी थोड़ा सा मोटिवेटेड फील करें। और जो अपन बातें कर रहे हैं, हाँ, मुझे लग रहा है कि प्रेजेंट सरकार अच्छी है, एक कम मेहनत में इन्हें इनसे अनुकूल चीजें बनवाई जा सकती है, राइट। बिल्कुल। और दूसरी बात है कि जो अपन कर रहे हैं वो तो अपना ज्वाइंट वेंचर के तहत कर रहे हैं, उसमें तो बहुत ज्यादा सरकार की जरूरत ही नहीं है। जी नहीं, ये कोई दुष्टता ना करें, बस केवल नहीं इसकी जरूरत। नहीं नहीं, ये दुष्टता करेंगे तो क्राइम फ्री भारत का मॉडल इनको पकड़ के पटकेगा ना। देखो मैं आपको बताऊं, यहाँ कोमड़बतियां कोई नाही, जो तर्जनी देख मुरझाई,
जब तक आप ये डायलॉग नहीं मारोगे दुष्ट लोग आपको जो है ना जीने नहीं देंगे। तो वो तो करना पड़ेगा, ये जो लक्ष्मण जी ने कहा था जब परशुराम जी बहुत जो है ना उछल कून कर रहे थे, तो उन्होंने यही कहा, जब उन्होंने कहा रे रे नृप बालक काल बस बोलत कोई ना समाज, जब उसने कहा ना अरे क्यों इतने जो है बवाल कर रहे हो, ऐसे दम तुम रोज तोड़ते रहते थे साले, तुम काहे को इतना उतरफ चक रहे हो, तब जो है ना परशुराम कहते हैं रे नृप बालक काल बस बोलत तो ही ना समार, तब जो है ना उसके उसमें कहता है साले बहुत चिल्ला रहे हो यहाँ को मड़बतिया कोई ना ही, कि तुम्हारी उंगली देख के हम मुरझा जाएंगे साले। अरे गटी बात है ये तो आपको बताना ही पड़ेगा कि यहाँ को मड़बतिया कोई ना ही, एंड एट द सेम टाइम यू हैव टू कम आउट विद द मॉडल कि आपके बंदे जो है ना अननेसेसरी दे शुड नॉट बी हरास्ड, दे शुड नॉट बी मालट्रीटेड, उनके खिलाफ केसेस रजिस्टर ना हो। वाई वी आर वेरी वेरी फोर्सफुली सेइंग कि हम रोड पे नहीं उतरेंगे, क्यों कह रहे हैं सर? वो तो उस टाइप का कुछ काम ही नहीं हो रहा है जिससे मतलब वो कोई केस रजिस्टर कर सके। अरे ये तो लोग आपको प्रोवोक करेंगे कि आप रोड पे उतर जाइए, रोड पे नहीं उतरना है, ये तो गलती करना नहीं है हमारी चुनी हुई सरकार, हम रोड पे क्यों उतरे? जी जी, हम क्यों रोड पे उतरे? हमारा तो इशारे पे जो है ना सरकार को हिलना चाहिए। यदि हम रोड पर उतरेंगे तो हमारी जीत भी हमारी हार होगी, हमारी जीत जीत नहीं होगी। क्यों? क्योंकि यदि एक बार में हम बहुत ज्यादा जम लगाए कर लेंगे तो हर में तो कर नहीं पाएंगे, राइट? और ये उसको खींचेंगे कि आप जो है ना थक जाओ। एक आदमी यदि नहीं थकोगे तो जो है ना एक आदमी आपको थोड़ा बहुत कंसेशन दे देंगे। हाँ, जैसे किसान आंदोलन को खींचा, एक साल करके तोड़ डाला, तो थोड़ा हाँ तो वो वैसा ही करेंगे, पूरा ड्रेन आउट कर दिया उनको। करेक्ट करेक्ट। तो हमें जो है वैसा करना ही नहीं है, वी मस्ट थिंक व्हाट शुड बी अवर स्ट्रेटेजी फॉर द मॉडर्न इंडिया। आप इस बात को मान रहे हैं कि नहीं मान रहे? जी हाँ, जी हाँ सर। तो एक बार फिर से मेरे ख्याल से हम दोहरा लेते हैं। हाँ सर, है ना जी। तो क्या क्या एक मिनट, तो पहले तो यहाँ पे जय हिंद जय भारत कर लेते हैं। जय हिंद जय भारत, वंदे।